हे गाइस, दिस शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो आज हम लोग हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद द सिटी ऑफ पर्ल्स तेलंगाना की कैपिटल है और फेमस है अपने रिच हेरिटेज, डिलीशियस कुजीन और वाइब्रेंट कल्चर के लिए। ये एक मेजर आईटी हब है। हैदराबाद में सबके लिए कुछ स्पेशल है, तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस इनक्रेडिबल सिटी को। हैदराबाद में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। दो दिन की आइटिनरी होने वाली है ये कंप्लीट। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, कौन सा लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, आप लोग कहाँ रुक सकते हैं, कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, नेटवर्क कौन सा अच्छा रहता है, लोकल लैंग्वेज में आपको डिफ़िकल्टी होगी कि नहीं होगी, और लास्ट में एक प्रॉपर बजट बताने वाला हूँ। तो ये बजट ट्रिप होने वाली है, तो आप लोग एक वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोग हैदराबाद कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आ सकते हैं। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन जो है वो बाय ट्रेन है। अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो हैदराबाद में 3 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से पहला सिकंदराबाद, जो कि सबसे बड़ा और मेन रेलवे स्टेशन है यहाँ का। यहाँ से आपको हर छोटी बड़ी सिटीज से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। फिर हैदराबाद रेलवे स्टेशन है, फिर कांचीकोड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो सिटी से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप लोग बस से आ रहे हैं तो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका से आपको बसेस की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। हैदराबाद पहुंचने के बाद अगर आप बजट होटल देख रहे हैं तो नामपल्ली के आसपास आपको 1000 से 1500 रुपये में काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। इसके आसपास ही स्टे कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। मैंने लकड़ी के पुल मेट्रो स्टेशन के पास होटल लिया था, जो 2200 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी मिला था। अभी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद में आपको सेल्फ ड्राइव कार, सेल्फ ड्राइव बाइक, ऑटो, टैक्सी, लोकल बसेस और मेट्रो के ऑप्शन मिल जाते हैं। मेट्रो और लोकल बस सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जिसमें आप 10 से 20 रुपए में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑटो भी 3 से 4 किलोमीटर के लिए 50 से 60 रुपये चार्ज करते हैं, अगर आप लोग अच्छे से बार्गेन करेंगे तो। सेल्फ ड्राइव बाइक आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अभी लोकल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश काफ़ी लोगों को यहाँ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहली जगह हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सुबह की बिरला मंदिर से। आइए चलते हैं। सो पहले दिन की शुरुआत आप लोग करिए बिरला मंदिर से। बिरला मंदिर जो हैदराबाद की पहचान मानी जाती है, नौबत पहाड़ पर सिचुएटेड है। आपको यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन होंगे। अगर आप लोग मेट्रो से यहाँ पर आ रहे हैं तो लकड़ी के पुल मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी है। लॉकर्स आप लोगों को यहाँ पर शूज़ के लिए, हैंडबैग के लिए और मोबाइल के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। मंदिर से हुसैन सागर लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। मंदिर के अंदर आपको काफ़ी शांति मिलेगी, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। टाइमिंग स्क्रीन पर आ रहा होगा। बिरला मंदिर में दर्शन करके आप जा सकते हैं BM बिरला म्यूज़ियम, जो मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है 5 मिनट के। यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपये की टिकट लगेगी। यहाँ पर बेसिकली 4 लेवल्स हैं। 0 लेवल में आपको डॉल म्यूज़ियम देखने मिलेगा। लेवल 1 में आपको डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स देखने मिलेगी। लेवल 2 में आपको समर सिटी ऑफ द्वारका देखने मिलेगी। और लेवल 3 में आपको जायंट स्केलेटन ऑफ डायनासोर देखने मिलेंगे। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं दिखा पा रहा हूँ। BM बिरला म्यूजियम देखने के बाद आप लोग जाइए गोलकोंडा फोर्ट, जो हैदराबाद की शान है। एक हिस्टोरिकल फोर्टिस है, जो 13th सेंचुरी में काकातिया डायनेस्टी ने बनवाया था। यह फोर्ट अपनी इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ आपको बहमानी सल्तनत और कुतुब शाह सल्तनत की हिस्ट्री के बारे में जानने मिलेगा। फोर्ट के अंदर आपको फतेह दरवाज़ा, रानी महल और जगदम्बा महाकाली टेंपल देखने को मिलेगा। लाइट एंड साउंड शो जो शाम को होता है, यहाँ की एक और हाईलाइट है, जिसमें गोलकोंडा फोर्ट की कहानी और इतिहास को बताया जाता है। स्क्रीन पर आप लोगों को सारी डिटेल्स आ रही होंगी। गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने के बाद आप लोग जाइए NTR गार्डन, जो सिचुएटेड है बैंक्स ऑफ हुसैन सागर लेक के। बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कवर्ड है फ्लावर्स और ग्रीनरी से। एंट्री पर ही टिकट काउंटर है, जो इतना खूबसूरत बनाया है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितना खूबसूरत होगा। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये गार्डन बनाया गया था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर NT रामा राव की मेमोरी में। ये बेस्ट प्लेस है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, स्पेशली बच्चों के साथ, जिनके लिए यहाँ पर काफी राइड्स देखने मिलेंगी। यहाँ पर आप अच्छे से समय बिता सकते हैं। NTR गार्डन विजिट करने के बाद आप लोग जाइए अम्बेडकर स्टैच्यू देखने, जो बिल्कुल साइड में है NTR गार्डन के। स्टैच्यू जो है उसकी हाइट 125 फीट टॉल है। सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है डॉक्टर BR अम्बेडकर का।
आफ्टर स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो विजयवाड़ा में स्थित है। जो स्टैच्यू की फाउंडेशन बिल्डिंग है वो रेप्लिका है इंडियन पार्लियामेंट का, तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। अम्बेडकर स्टैच्यू देखने के बाद आप जाएं लुम्बिनी पार्क, जिसकी 20 रुपए की टिकट होती है। वहाँ से आपको बोटिंग के ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको बुद्धा स्टैच्यू जो सिचुएटेड है मिडिल ऑफ हुसैन सागर लेक वहाँ लेके जाएगा। बोटिंग कॉस्ट 50 रुपए होती है। बोटिंग ऑप्शन में इंडिविजुअल बोट, स्पीड बोट भी है, जिसका कॉस्ट वेरी करेगा। बुद्धा स्टैच्यू जो है वो 1992 में इनॉग्रेट किया गया था। बोट से बुद्धा स्टैच्यू पहुँचने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है वहाँ पर स्पेंड करने के लिए। बेस्ट टाइम की बात कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर विंटर्स में विजिट कर सकते हैं, अक्टूबर टू फरवरी। अभी फूड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हैदराबाद का खाना भी किसी से कम नहीं है। अगर आप हैदराबाद आए हैं तो यहाँ की फेमस बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। बिरयानी आप पैराडाइज में खा सकते हैं। चार मीनार के आसपास बहुत से रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल हैं, यहाँ आप असली हैदराबादी बिरयानी का मज़ा ले सकते हैं। चार मीनार के पास ही निमरा कैफे हैं, जहाँ की बिस्किट बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ की ईरानी चाय भी ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली निलोकर कैफे में जो बहुत ही फेमस है। अगर आप चाट के शौकीन हैं, गोकुल चाट का चाट ज़रूर ट्राई करें, जो बेस्ट इन हैदराबाद है। यहाँ के कबाब भी काफ़ी मशहूर हैं। अगर आपको स्वीट्स पसंद है, यहाँ का कुबानी का मीठा और डबल का मीठा ज़रूर ट्राई करें। स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना है तो चार मीनार के पास ही स्टॉल पे जाएं। आपको यहाँ चाट, पकोड़े और बहुत सारी टेस्टी स्नैक्स मिलेंगे। हैदराबादी कुजीन का असली स्वाद लेने के लिए यह जगह परफेक्ट है। डे टू, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आप दिन की शुरुआत करें इस्कॉन मंदिर से, नामपल्ली स्टेशन के पास, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इस्कॉन हैदराबाद को श्री राधा मदन मोहन टेम्पल भी बोला जाता है, जो डेडिकेटेड है श्री कृष्ण भगवान को। और यहाँ पर आप जगन्नाथ बलदेव जी के भी ब्लेसिंग ले सकते हैं। डेली आरती की जाती है यहाँ पर। इस्कॉन मंदिर बिल्कुल मिस ना करें आप हैदराबाद आ रहे हैं तो। इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग जाएं सलार जंग म्यूजियम। सलार जंग म्यूजियम की टिकट की बात कर लेते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है। यहाँ पर कैमरा की भी टिकट लगती है अलग से, जो 50 रुपये है। मोबाइल फ़ोन जिसमें कैमरा है वो अलाउड नहीं है अंदर, उसका भी आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। या लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर क्लॉक रूम भी है, आप लोग बाहर भी रख सकते हैं। ये म्यूज़ियम 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस सलार जंग म्यूज़ियम में आपको कलेक्शन ऑफ 40,000 प्लस आर्टिफैक्ट्स और कलेक्टिबल देखने मिलेंगे, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है, लाइक चिल्ड्रन कलेक्शन, स्टैचू, पेंटिंग्स, क्लॉक्स, ये सारी चीज़ें। ये म्यूज़ियम में बेसिकली तीन ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। अगर आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है जब आप आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान करें, क्योंकि आप कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा घूमने के लिए। हैदराबाद का नाम लेते ही चार मीनार की पिक्चर दिमाग में आती है, तो चलिए सलार जंग के बाद चलते हैं चार मीनार की खूबसूरती देखने। चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कतब शाह ने करवाया था। यह एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें चार पिलर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने मिलती है। माना जाता है कि पूरे शहर में प्लेग के खत्म होने के बाद चार मीनार बनाया था। ऐसा बोलते हैं कि चार मीनार से गोलकोंडा फोर्ट तक का एक टनल बनाया गया। चार मीनार में आप ऊपर से भी खूबसूरती देख सकते हैं, जिसकी टिकट 25 रुपए होती है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स थोड़े छोटे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। ऊपर से आपको आसपास का बहुत खूबसूरत व्यू देखने मिलता है। चार मीनार के नीचे भागलक्ष्मी मंदिर भी है, तो आप लोग दर्शन जरूर करें। चार मीनार के आसपास आपको बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस दिख जाते हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ रीजनेबल दाम में खरीद सकते हैं। चार मीनार से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चौमाला पैलेस है। आप लोगों को हार्डली 10 मिनट लगेगा चौमाला पैलेस जाने के लिए वॉकिंग करके। यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपये है। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चौमाला पैलेस को रिस्टोर किया गया था, जो बहुत ही बड़ा है, और ये हैदराबाद के निज़ाम का घर था। लॉन के बीच में एक सुंदर फाउंटेन है जो महल की खूबसूरती को और बढ़ाता है। चौमाला पैलेस का दिल है दरबार हॉल, जिसमें ऊंचे पिलर्स, डेकोरेटेड सीलिंग्स और एंटीक शैंडलियर्स हैं। हॉल के बीच में एक मार्बल प्लेटफॉर्म है जहां रॉयल सीट रखा जाता है, जहां निज़ाम बैठते थे अपने दरबार में। महल में कई आइटम डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे वेपन्स, कटलरीज, क्लोथ्स, ज्वेलरीज और निज़ाम्स की विंटेज कार्स, जो रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। महल के दीवारों पर आपको बहुत सारी पोर्ट्रेट्स देखने मिलेगी, जो निज़ाम की ज़िंदगी को दर्शाता है।
चौमाला पैलेस देखने के बाद आप जाएं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये पब्लिक के लिए 1963 में ओपन हुआ था और ये अमंग द लार्जेस्ट जू इन इंडिया है। यहाँ की टिकट की बात कर लेते हैं तो 70 रुपए पर पर्सन है। 380 एकड़ में फैला हुआ है और 1500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का घर है। यहाँ आपको व्हाइट टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन राइनोस और अफ्रीकन एलिफेंट जैसे रेयर एनिमल्स देखने मिलेंगे। सफारी राइड्स, टॉय ट्रेन, बोटिंग जैसी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्क्रीन पे टाइमिंग्स और सारी डिटेल्स आ रहा होगा। नेहरू जू के पास ही सुधाकार म्यूजियम है, यहाँ पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं विद इन 10 मिनट। यहाँ की टिकट का प्राइस स्क्रीन पे आ रहा होगा। सुधाकार म्यूजियम एक यूनिक ऑटोमोबाइल म्यूजियम है जो 2010 में सुधाकार यादव ने एस्टेब्लिश किया था। ये म्यूजियम वर्ल्ड का फर्स्ट हैंडमेड कार म्यूजियम है, जहाँ आपको हर टाइप की कार डिजाइन देखने मिलेगी, जैसे ब्राइडल कार, बेड कार, फुटबॉल कार, शू कार। ये म्यूजियम कार लवर्स के लिए ट्रीट है और बच्चों को यहाँ पर बहुत मजा आएगा, तो यहाँ पर आप जरूर विजिट करें अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं। अभी शॉपिंग की बात कर लेते हैं। तो सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है हैदराबाद को, तो यहाँ से पर्ल्स की शॉपिंग जरूर करें। अगर आपको किफायती दाम में शॉपिंग करनी है तो चार मीनार के पास डेली मार्केट लगता है, यहाँ से आप सब चीजें परचेज कर सकते हैं। यहाँ की साड़ी और कुर्ती बहुत ही फेमस है, तो अपने लव वंस के लिए जरूर लेकर जाएं। अगर आप इत्र पसंद करते हैं तो यहाँ का इत्र भी काफी फेमस है। आपके लिए मेजर शॉपिंग एरिया चार मीनार के आसपास ही रहेगा। अभी मोबाइल नेटवर्क की बात कर लेते हैं, तो सारे सिम्स का अच्छा नेटवर्क मिलेगा यहाँ पर। मुझे एयरटेल और जियो के नेटवर्क में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। आज मैं आप लोगों को एक अमेजिंग बैकपैक दिखाने वाला हूँ। ये है ज़ूक का बैकपैक। इस बैकपैक में कुछ की फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी स्पेस है, आप इजीली अपना लैपटॉप्स, बुक्स और डेली एसेंशियल्स कैरी कर सकते हैं। इसका मटेरियल बहुत ही स्टर्डी और ड्यूरेबल है, लॉन्ग ट्रिप्स या डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इसके पैडेड स्ट्रैप्स बहुत ही कम्फर्टेबल है, इवन आफ्टर आवर्स आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। मैंने इस बैकपैक को अपने रिसेंट ट्रिप में यूज किया है और ये काफी कन्वीनियंट रहा। आप भी अपने ट्रैवल या डेली यूज के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकपैक पसंद आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अभी बजट की बात कर लेते हैं। अगर आप सोलो या कपल में ट्रैवल कर रहे हैं तो बजट अकोमोडेशन 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1000 रुपीज पर डे पर पर्सन आएगा, तो 2 दिन का 2000 हो जाएगा। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन बस, मेट्रो या ऑटो ले रहे हैं तो 500 से 600 रुपये में आपका हो जाएगा पर डे। अभी फूड की बात कर लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला के 500 रुपये पर डे के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आंध्रा थाली आपको 150 से 180 रुपये में मिल जाती है। सारी लोकेशन के एंट्री टिकट की बात कर लेते हैं तो 300-400 रुपये वो कॉस्ट करेगा, तो अप्रॉक्स आपका 4300 रुपये कॉस्ट करेगा 2 दिन के लिए पर पर्सन। सो गाइज, आई होप हैदराबाद की 2 डे की आइटिनरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो हैदराबाद आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए डेस्टिनेशन में। बाय बाय, टेक केयर।